हाँ जी, स्वागत है बच्चों कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन क्लास दे विच। अज का अपना विषय है कंप्यूटर साइंस जमात 10वीं पाठ दूसरा HTML फंडामेंटल। मैं सुनील कुमार कंप्यूटर अध्यापक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामोजोईया। आओ आप शुरू करते हैं जमात 10वीं का पाठ दूसरा HTML फंडामेंटल। इस तो पहला जो वीडियो लैक्चर बच्चों आप देखे उस दे पढ़िया भी HTML की है, इसके की उद्देश्य हैं, टैग की होंगे हैं, उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर की है। हुण आपां इस तो बाद अपना टॉपिक है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की हुंदा है? एट्रीब्यूट किसी भी टैग की विशेषता को दर्शाता है। टैग की हुंदा है? टैग प्यारे बच्चों आपां पहला भी पढ़िया है भी टैग एक अजिहियां हदायतां हुंदियां हन जो आपां वैब ब्राउजर नूं देने आ भी आ वैब पेज ते प्रदर्शित कर दिओ साडी इनफॉर्मेशन, साडी सूचना इस तरीके नाल वैब पेज ते प्रदर्शित होनी चाहीदी है। फॉर एग्जाम्पल आपां कहीए भी अपने स्कूल का नाम, अगर आपां स्कूल की वैबसाइट बना रहे हां तां वैब पेज ते स्कूल का नाम है जिहड़ा ओह विचकार सेंटर विच अते उसका नाम वड्डे अक्षरां दे विच आना चाहिए है, ठीक है। या आपां अपने वैब पेज का बैक साइड का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं या आपां बैकग्राउंड ते कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, इस तरह के सारिया ही हदायतां वो एट्रीब्यूट के जरिए ही दित्तियां जाणगियां। हर एक टैग का अपना वक्रा वक्रा एट्रीब्यूट हुंदा है। उदाहरण के तौर पर जिवें आपां देखिए भी जिवें अपने कोल टैग है बॉडी टैग, बॉडी टैग की अपनी एक एट्रीब्यूट हैं किहड़ा बैकग्राउंड अते बीजी कलर। आओ इन्हां नूं ही आपां एक्सप्लेन दे विच पढ़दे हां भी किस तरह वरतों करांगे इन्हां दी। आपां हुण सब तों पहला आपां गल करदे हां बैकग्राउंड दी। बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है बॉडी टैग दा, ये बैकग्राउंड दी वरतों ये अपने वैब पेज दी बैकग्राउंड ते कोई तस्वीर जां पिक्चर लगाउण लई वरत्या जांदा है। उदाहरण दे तौर ते आपां देखिए भी आपां पहला भी पढ़ चुके हैं भी HTML दा प्रोग्राम नोटपैड दे विच HTML तो शुरू हुंदा है हैड टैग, हैड तो बाद टाइटल टैग, टाइटल आपां पेज दा नाम रख्या है, बैकग्राउंड एग्जाम्पल, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों तुसी कोई भी टाइटल जिहड़ा वो दे सकते हो, टाइटल क्लोज, हैड क्लोज, फिर उस बाद बॉडी टैग शुरू। बॉडी टैग शुरू करके इस तो बाद आपां इहदे विचकार लिखिया है एक बैकग्राउंड, ये एट्रीब्यूट लिखा है बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कॉमिया दे विच आपां आपदी पिक्चर का एड्रैस लिखा है। जिवें मेरी एक तस्वीर है कोई, वो तस्वीर नूं मैं डी ड्राइव दे विच रख्या है, उसका नाम है c.sea.jpg इस दी एक्सटेंशन है, मतलब इसका पूरा नाम अगर तुसी डी ड्राइव च किसी फोल्डर च रख्या है तो उसका पूरा नाम पूरा एड्रैस तुहानू जिहड़ा वो पिक्चर दा इत्थे लिखना पेगा। उस तो बाद बॉडी क्लोज HTML क्लोज। आओ आप देखते हैं भी ये किस तरह वैब पेज से शो करेगी आ आउटपुट। ये सी समुंदर की तस्वीर है जो अपने बैकग्राउंड से लग चुकी है, आ अपना बैकग्राउंड एग्जाम्पल जो अपना टाइटल दिता सी पेज का। इस तो बाद है प्यारे विद्यार्थियों अपने को बीजी कलर। हुण आप बैकग्राउंड से कोई तस्वीर अगर नहीं देना चाहते, आप कोई कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड से, तो वह किस तरह देंगे? ये एट्रीब्यूट है जिहड़ा इसकी वरतों वैब पेज की बैकग्राउंड से कोई कलर लगाने लई ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀ ਕਲਰ, ਬੀਜੀ ਕਲਰ COLOR ਕਲਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੈਲੋ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੈਲੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਮੂਜੋਈਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੇਜ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾ ਟਾਈਟਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੈਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ HTML ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ ਟੈਗ। ਹੈਡਿੰਗ ਟੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਹੈਡਿੰਗ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਾਂ
कर सकते हैं। हुण एक इस दे छे पद्धर हुंदे हन जिवें आ प्यारे विद्यार्थियों तुहानू नजर आ रहा है H1 H2 H3 H4 H5 ते H6। जो पहला पद्धर हुंदा है वह सब तो वड्डे साइज दा हुंदा है अते छेवां पद्धर उस सब तो छोटा हुंदा है। जिवें जिवें आपां गिनती वधाई जावांगे जिवें H2 है यह H1 नालों छोटा होएगा, H3 H2 नालों भी छोटा होएगा। इस तरह इसका जिहड़े पद्धर ने वह सैट किए गए हैं। आओ आपां इसनूं एक उदाहरण दे नाल सिखदे हां। यह HTML अपना एक प्रोग्राम बॉडी टैग, बॉडी टैग दे विच मैं लिखिया भी H1 दे अगे लिखता गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जोईया H1 क्लोज। प्यारे बच्चों हैडिंग टैग नूं बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बंद करन ते ही पता लगेगा भी जो असी हैडिंग बनाना चाहते हैं वह सिर्फ इथों तक ही हैडिंग नूं असी बनाना चाहते हैं। जिवें मैं लिखिया गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जोईया तो यह उस तो बाद हैडिंग टैग नूं क्लोज किया H1 नूं भी सिर्फ इन्ने ही शब्दों नूं हैडिंग 1 बनाया जाए। इस तो बाद H2 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जिया इस तरह हरेक लाइन दे मैं 6 पद्धर तक इसनूं प्रोग्राम नूं लिखिया है। उस तो बाद बॉडी क्लोज HTML क्लोज। आओ आपां इसकी आउटपुट नूं देखते हैं भी किस तरह इसकी आउटपुट आएगी। प्यारे बच्चे देखो सब तो पहला सीगा H1 उसका साइज सब तो वड्डा है, फिर H2 उस तो छोटा साइज, फिर H3 H4 H5 ते H6 है जिहड़ा उह सब तो छोटा। इस तरह असी HTML विच किसी भी शब्दां नूं हैडिंग दे दा रूप दे सकते हैं। इस तो बाद है प्यारे विद्यार्थियों अपने कोल फोंट टैग। देखो ये टैग बहुत महत्वपूर्ण है। इस टैग की वरतों आपां जो वैब पेज ते दिखाउणा चाहते हाँ वह टैक्सट की दिख नूं बनतर कलर अते साइज बदलने लई वरत्या जाता है। ये फोंट टैग दे विच वख वख एट्रीब्यूट यूज होंदे हन। प्यारे विद्यार्थियों जिवें तुसीं देख रहे हो वीडियो च फोंट टैग दे एट्रीब्यूट फेस जो एट्रीब्यूट है इस दे नाल आपां फोंट दा नाम सैट कर सकते हां भी जो तुसीं लिखना चाहते हो वह किहड़े फोंट च देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपां जिवें इंग्लिश दे कुछ फोंट यूज करते हैं एरियल टाइम्स रोमन एटसैक्ट्रा। इस तरह कोई भी फोंट तुसीं फेस नाम दे एट्रीब्यूट तो सैट कर सकते हो। स्टाइल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अगर शब्दों नूं तुसीं थोड़ा जिहा डार्क करना चाहते हो इटैलिक टेढ़ा करना चाहते हो अंडरलाइन या शब्दों के नीचे कोई लाइन लगाना चाहते हो तो इन्हां विचों कोई भी स्टाइल आपां यूज कर सकते हैं। इस तो बाद है कलर। जो इनफॉर्मेशन तुसीं वैब पेज ते दिखाना चाहते हो उसका कलर तुसीं अपनी मर्जी नाल रैड येलो ग्रीन एटसैक्ट्रा कोई भी कलर दिखा सकते हो। साइज एक तो शुरू होके तुहाडी इच्छा अनुसार है जिन्ना साइज तुसीं सैट करना चाहते हो। इस दी आपां उदाहरण देखते हैं तो देखो बॉडी दे विच आपां फोंट जो यूज किया है फोंट दे नाल फेस इक्वल टू एरियल स्टाइल इक्वल टू बोल्ड कलर इक्वल टू रैड साइज इक्वल टू 3। आपां इसका उस तो बाद यह सारिया सैटिंग्स इस तो बाद जो भी आप शब्द लिखांगे उस ते अप्लाई कीतियां जाणगियां। वो आपां शब्द की लिखिया है गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जोईया यानी कि जो शब्द आपां पहला लिखे हैं उसका कलर रैड होएगा साइज 3 होएगा स्टाइल बोल्ड होएगा तो यह किहड़े फॉन्ट च लिखा जाएगा एरियल दे विच। इस तो बाद एक होर एग्जाम्पल आपां इसे ही प्रोग्राम च लिखी है फोंट फेस दा नाम आपां अल्जीरियन नाम रखिया है स्टाइल अंडरलाइन कलर ग्रीन ते साइज कितना दिता है 5 यानी कि जो पहला शब्द लिखे हैं उस दे नालों आपां साइज वधा के 5 लिखिया है। पहला कलर रैड फिर कलर किहड़ा दिता आपां ग्रीन। इस तो बाद जो आपां शब्द लिखे हैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल मामू जोईया तो इस तो उपर आ वालियां सारियां सैटिंग्स यानी कि स्टाइल अंडरलाइन कलर ग्रीन ते साइज 5 ते फेस है जिहड़ा उह अल्जीरियन होएगा। इस नूं प्रोग्राम नूं आपां सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं भी किस तरह आएगी। प्यारे विद्यार्थियों देखो सब तो पहला आपां साइज 3 दिता सी तां कलर रैड दिता सी तां आ शब्द जिहड़े स्कूल का नाम है वह इस तरीके लिखा गया। उस तो बाद आपां साइज 5 दिता सी ते कलर ग्रीन दिता सी तां वह शब्द जिहड़े इस तरह जिहड़े अपने लिखे गए। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह आपां फोंट टैग की वरतों है जिहड़ी वह कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा। इस तो बाद होर टैग आपां जिहड़े
यूज करांगे नेक्स्ट वीडियो दे विच। तुसी सारयां ने ही इस दी वरतों जिहड़ी ओह करके या प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है। धन्यवाद बेटा।